हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 12th की पोएम जिसका नाम है द सॉन्ग्स ऑफ द फ्री इसके बारे में बताएंगे, जिसके कवि हैं स्वामी विवेकानंद। बच्चों, क्या आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं? इससे पहले कि हम आपको इस पोएम के बारे में बताएं, हम आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ बताते हैं। बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने अमेरिका जैसे शहर में सबसे पहले हिंदी में भाषण दिया। समझ गए बच्चों? सबसे पहले अमेरिका जैसे शहर में हिंदी में भाषण दिया। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था और जब 1893 ईस्वी में, यानी मात्र 30 वर्ष की उम्र में, अमेरिका के शिकागो शहर में एक धर्म सम्मेलन हो रहा था। उस धर्म सम्मेलन में पूरे विश्व के देशों के धार्मिक पुरुष, यानी कि संत, सन्यासी और महान पुरुषों ने उस धर्म सम्मेलन में भाग लिया था और उस समय भारत की पहचान एक कला और साहित्य के रूप में होती थी। तो उस धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी को भेजा गया। अब सोचने वाली बात है स्टूडेंट्स कि भारत जैसे इतने बड़े देश में, जिसमें इतनी ज्यादा आबादी है, इतनी ज्यादा जनसंख्या थी, एक 30 साल के नौजवान को, 30 साल के नव युवक को उस धर्म सम्मेलन को संबोधित करने के लिए भेजा। सोचिए, जब उस धर्म सम्मेलन में सभी लोग जो वहां पर पहुंचे थे, विश्व के अनेक देशों से लगभग 700 से ऊपर व्यक्ति थे, जब उन सभी लोगों ने उस धर्म सम्मेलन में अपनी स्पीच और अपने भाषण दे दिए, तो जो उस धर्म सम्मेलन के अध्यक्ष थे, एंकर थे, उन्होंने पूछा, क्या इस धर्म सम्मेलन में भारत की तरफ से कोई नहीं आया? तभी स्वामी विवेकानंद जी अपनी सीट से खड़े होते हैं। जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी को वहां उपस्थित लोगों ने देखा, उनका उपहास उड़ाने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे। पता है क्यों? क्योंकि उस धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी सबसे कम उम्र के युवक थे। दूसरी बात, सभी लोगों की वेशभूषा साधु संतों और सन्यासियों जैसी थी, यानी लंबा कुर्ता, बड़े बड़े बाल, माथे पे टीका, सफेद लाल या पीले कपड़े। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी सूट रूप में गए हुए थे और जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी अपने सीट पर खड़े हुए और बोले, आई केम फ्रॉम इंडिया, कि मैं भारत से आया हूं इस धर्म सम्मेलन को संबोधित करने के लिए, सभी लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने बुरा नहीं माना और जब उन्हें मौका दिया गया उस धर्म सम्मेलन को संबोधित करने का, उन्होंने शुरू किया, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जैसा ही उन्होंने इतने शब्द कह के उस धर्म सम्मेलन को शुरू किया, लोग अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और जब स्वामी विवेकानंद जी का पूरी स्पीच खत्म होती है, उस टाइम पे नॉट अ सिंगल पार्टिसिपेंट स्टूड ऑन देयर सीट, एक भी व्यक्ति अपनी सीट पर खड़ा नहीं हुआ। सभी ने शांत मन से, पूरी एकाग्रता से स्वामी विवेकानंद जी के भाषण को सुना। जानते हो बच्चों, उन्होंने हिंदी में भाषण दिया, बाकी सभी लोगों ने अपने अपने देश की भाषा में या इंग्लिश में भाषण। उनको क्या समझ में आया था? लेकिन नहीं, द सॉन्ग्स ऑफ द फ्री, स्वतंत्रता की कोई भाषा नहीं होती, और स्पिरिचुअल लैंग्वेज तो स्पिरिचुअल लैंग्वेज ही होती है, वो आप किसी भी भाषा में कह दो, सामने वाला समझ चुका है। तो जब स्वामी विवेकानंद जी का भाषण खत्म हुआ, वो उस हॉल से बाहर निकले, हॉल में उपस्थित सारे लोग उनके पीछे पीछे आए और जब उन्होंने विवेकानंद जी से पूछा, आखिर आपने अपनी स्पीच में ऐसा क्या कहा जो सभी लोग आपके पीछे पीछे आ गए, विवेकानंद जी ने एक ही बात की कि हम तो भारतवासी हैं और भारत में लोग बांसुरी बजा के जानवरों को भस्म कर लेते हैं, ये सारे इंसान थे।
उनकी बात से सभी लोग इतने प्रभावित हुए और एक युवती तो इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि उसी समय वो अपना देश छोड़ के स्वामी विवेकानंद जी के साथ भारत आ गई। आजीवन भारत में रही और स्वामी विवेकानंद जी के आश्रम में रहकर उसने गरीबों की, दुखियों की, परेशानी लोगों की सेवा की। चलिए देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी किस तरीके से द सॉन्ग्स ऑफ द फ्री के बारे में बता रहे हैं, यानी एक इंसान किस तरीके से अपने आप को इस संसार से, इस माया से छुटकारा दिला सकता है। तो विवेकानंद जी कहते हैं, द बाउंडेड स्नेक इट्स गुड अनफर्ल। जिस तरीके से बच्चों आपने देखा होगा, कभी आपके मोहल्ले में, गांव में कोई सांप वाला खेल दिखाने के लिए आया, जैसे ही सपेरा उस सांप को छूता है, तुरंत उस सांप का फन यानी कि हूड उस सांप ऊपर उठा देता है। बिल्कुल उसी तरीके से किसी भी भारतवासी को जब उसकी अंतरात्मा को बाउंडेड मीन्स घायल किया जाता है, उसका स्वाभिमान जाग जाता है। द फ्लेम स्टीयर्ड अप द ब्लेज, जिस तरीके से आग की लपटें हमेशा ऊपर की ओर जाती है। क्या कभी आपने आग की लपटों को नीचे की ओर आते देखा है? नहीं। उसी तरीके से द डेजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल्स, जब हम कहीं सुनसान इलाके में हो, रेगिस्तान में हो, जहां पर कोई आवाज ना आ रही हो, अगर हम वहां पे कुछ बोले, हमारी आवाज कुछ समय बाद हमें ही सुनाई देती है। ऑफ हर स्ट्रक नॉट्स, अगर कोई व्यक्ति दिल से परेशान है तो वो व्यक्ति वास्तव में बहुत ज्यादा परेशान होता है। द क्लाउड पुट फोर्थ, अगर हमारे सामने परेशानियों का ढेर लग जाए, जिस तरीके से आसमान में काले बादल हो और अगर अचानक से सूरज निकल आए, क्या होता है, वो काले बादल अपने आप छट जाते हैं। उसी तरीके से अगर हमारे सामने परेशानियां या मुसीबतें बहुत ज्यादा आ जाएं और हम अपने मन में पॉजिटिव थॉट ले आए, हमारे अंदर एक एनर्जी आएगी और हमारी परेशानी और मुसीबत उन काले बादलों के समान तुरंत छट जाएगी, क्योंकि तो हमें एक ऐसी थॉट से ताकत मिलती है। When lightning clips its wings, आपने देखा होगा जब आसमान में बादल गरजते हैं, पानी बरसता है, आवाज होती है और लाइट चमकती है। पता है क्यों? क्यों इस दुनिया में we cannot do anything without sound or light। हम आवाज और प्रकाश के बिना कुछ नहीं कर सकते। सोच के देखो, क्या आपको, अगर मान लो मैं आपको बुला रहा हूं, आवाज लगाऊंगा, आप आएंगे तो भी आवाज लगाएंगे, अगर मैं आपको देख रहा हूं तो भी किसी ना किसी लाइट के माध्यम से। इसका मतलब हम बिना प्रकाश और बिना साउंड के कुछ नहीं कर सकते हैं। When the soul is steered to its inward depth, जब हमारी अंतरात्मा गहराई के दुख में पहुंच जाती है, यानी कि जब हमें बहुत ज्यादा दुख होता है, उसी समय क्या होता है, great ones unfold their best, उसी समय महान पुरुष अपना सबसे अच्छा काम करते हैं। सोचो स्टूडेंट्स, जब हम बहुत परेशान होते हैं, छोटी मोटी परेशानियों में हम अपने मम्मी पापा की ओर देखते हैं, भाई बहनों की ओर देखते हैं, रिश्तेदारों की ओर देखते हैं, दोस्तों की ओर देखते हैं, लेकिन जब हम देख लेते हैं अब हमारी मदद करने वाला कोई नहीं, हम क्या करते हैं, हम उस ईश्वर के भरोसे हो जाते हैं। और उस वक्त मुसीबत के समय में जो काम किया जाता है, दैट वर्क इज आवर बेस्ट, वो हमारा सबसे महान, सबसे अच्छा काम होता है। इसलिए हमें परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परेशानी के समय ही हमारी योग्यता, हमारी कैपेसिटी, हमारी कैपेबिलिटी बाहर निकलती आती है। इसलिए अब स्वामी विवेकानंद जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेट आइस ग्रोस, इससे पहले कि हमारी आंखों की रोशनी कमजोर हो जाए। ध्यान रखना है बच्चों, इससे पहले कि हमारे आंखों की रोशनी कमजोर हो जाए, एंड हार्ट ग्रो फेंट, इससे पहले कि हमारे दिल की धड़कन धीमी पड़ जाए, क्या करना है, एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव डेडली, इससे पहले कि हमारे चाहने वाले, हमारे दोस्त, हमारे हितैषी, हमारे शुभचिंतक हमारी मदद करना बंद कर दें और हमारी चापलूसी करना शुरू कर दें, इससे पहले लेट फेंट, अपने भाग्य को जगा लो, इट्स 100 hours सेंड, और अपनी अंतरात्मा को उस परमात्मा के पास सेंड माने भेज दो,
याद रखना है बच्चों, हमें ये काम अपनी आंखों की रोशनी कम होने से पहले और जब तक हमारे शरीर में ताकत है उससे पहले ही करना, बाद में करना। जानते हो स्वामी विवेकानंद जी ने जब संन्यास ग्रहण किया उस समय उनकी उम्र कितनी रही होगी? आप लोगों की उम्र के बराबर। और पहले उनका नाम नरेंद्र नाथ था, लेकिन चूंकि वो हर काम सोच समझ के अपने विवेक से करते थे, सन्यासी हो गए थे, इसलिए उनका नाम स्वामी विवेकानंद हुआ। तो हमें भी क्या करना है, इससे पहले कि हमारी आंखों की रोशनी कमजोर हो जाए, हमारे कान सुनना बंद कर दें, हमारे हृदय की धड़कन धीमी पड़ जाए, हमें अपने आप को जगाना है। आप कह सकते हैं हम तो जाग रहे हैं, लेकिन नहीं, हम सब सो रहे हैं। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लैक द वे, इससे पहले कि हमारी परेशानियां हमारे सामने आके हमारे रास्ते को बंद कर दे। बच्चों आपको पता है पहले जब एडिसन ने बल्ब की खोज नहीं किया था उससे पहले सभी लोग अपने सारे काम दिन में कर लेते थे, क्योंकि रात में तो दिखाई नहीं देता था। दिन में सूरज की रोशनी में अपने काम कर लेते थे। इसका मतलब हम भी इससे पहले कि वृद्धावस्था में जाएं, उससे पहले हमें अपने सारे काम कर लेने चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था में हमारा खुद का शरीर हमारा साथ नहीं देता, तो सोचो और कौन हमारा साथ देगा। एंड नेचर बोर एंड एंग्री फ्राउन, इससे पहले कि प्रकृति खुद हमसे बदला ले, प्रकृति हमेशा बदला लेती है बच्चों, अगर हम प्रकृति के साथ हद से ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति हमसे बदला लेगी। जैसे आजकल कोरोना महामारी चल रही है, ये क्या है, ये प्रकृति का एक अपना बदले का स्वरूप है। इससे पहले नेचर यानी प्रकृति हमसे नाराज हो जाए, हमें करना क्या है, टू क्रैश यू आउट, हमारे सामने आने वाली परेशानियों को क्रैश आउट करना है, कुचलना है, उन परेशानियों पे विजय प्राप्त करके आगे बढ़ जाना है। स्टिल नो माई सोल, एक बात हमेशा सोते जागते 24 घंटे खाते पीते याद रखनी है, क्या, स्टिल माई सोल, कि मेरी जो आत्मा है वो उस परमात्मा की अंश है, और जब तक वो आत्मा उस परमात्मा से नहीं मिलेगी, we cannot feel happiness, हम खुशियां प्राप्त नहीं कर सकते। करना क्या है, यू आर डिवाइन। अब स्वामी विवेकानंद जी हमें जगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें हमारी औकात बता रहे हैं, हमें हमारा विशेष गुण बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, यू आर डिवाइन, आप दैवीय गुणों से भरपूर हो। और बच्चों पता है इंसान को ही केवल इस दुनिया में परमात्मा ने इतनी शक्ति दी है कि केवल और केवल इंसान ही उस परमात्मा की भक्ति कर सकता है, यहां तक कि देवी देवता भी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। वो रात को सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद उस परमात्मा की, उस ईश्वर की पूजा करते हैं, काश काश में एक बार इंसान बना दो और हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं यू आर डिवाइन, हम देवी गुणों से भरपूर हैं, मार्च ऑन एंड ऑन, इसलिए हमें हमेशा आगे की ओर और आगे की ओर, यानी हमारी आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने वाले रास्ते पर लगातार मार्च बने आगे बढ़ते जाना है। और अगर हम ऐसा करेंगे, हमें ध्यान क्या रखना है, नॉट राइट नॉर लेफ्ट, ना दाएं और ना बाएं, बट टू द गोल, बिल्कुल अपने लक्ष्य की ओर सीधे बढ़ते जाना है। तो वॉइस आपने देखा होगा कि जितनी भी स्त्रियां हैं वो बिंदी लगाती हैं, कहां पर, दोनों आंखों के बीच में माथे पर, इधर उधर साइड से क्यों नहीं लगाती, कभी आपने गौर किया, या जितने भी साधु संत सन्यासी होते हैं वो तिलक लगाते हैं दोनों आंखों के बीच में माथे के बीच। शिव जी का जो तीसरा नेत्र था दोनों आंखों के बीच, ऐसा क्यों, स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं नॉर राइट नॉर लेफ्ट, ना दाएं और ना बाएं, बट टू द गोल, जो दोनों आंखों के बीच का स्थान है वो हमारा क्या है, गोल है, वो हमारा लक्ष्य है, और वही एक ऐसा स्थान है जहां से हम हमारी अंतरात्मा अंदर प्रवेश कर सकती है। इसलिए हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आय के हरि भजन को ओटन लगे कपास, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखना चाहिए, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमेशा
दिन रात 24 घंटे सोते जगते खाते पीते उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए मेहनत करते रहे। अगर जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, एज द नेम ऑफ पोयम द सॉन्ग ऑफ फ्री, वो सॉन्ग जब हमें सुनाई देगा क्या होगा, हम फ्री स्वतंत्र हो जाएंगे। हमारी आत्मा इस 84 के जेल खाने से, इस भव सागर से, संसार रूपी माया से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी और दोबारा उसे जन्म और मरण के चक्कर में आना नहीं पड़ेगा, यानी हमारी आत्मा अमर हो जाएगी। पता है कब, जब हम उस स्वतंत्रता देने वाले सॉन्ग्स को सुनेंगे तब।